देश के महान क्रिकेटर में शामिल कर्नल सीके नायडू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन शनिवार को होलकर स्टेडियम में किया गया। आदित्य भूषण द्वारा लिखी गई जीवनी एक कर्नल डेंटिस्ट टू लीड नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगी और लोगों को इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगी जहां भारत क्रिकेट के खेल में अपनी पहली सीढ़ियां चढ़ रहा था। आदित्य का मानना है कि अगर उनकी पुस्तक से कुछ लोग भी सीके नायडू के अद्भुत कला से परिचय प्राप्त कर लें तो उनकी कोशिश सफल रहेगी। आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत अफगानिस्तान की T20 मैच के एक दिन पूर्व पुस्तक का भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे के हाथों लोकार्पण हुआ। आदित्य ने बताया कि कर्नल सीके नायडू भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान के साथ ही देश के पहले सुपरस्टार क्रिकेटर थे। 1916 में हिंदू टीम के तरफ से एमसीसी के खिलाफ खेली गई उनकी 153 रनों की पारी ने भारत को टेस्ट का दर्जा दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई। 1932 में जब भारत ने अपना पहला टेस्ट खेला तो कर्नल सीके नायडू उसके कप्तान बने। टेस्ट क्रिकेट के उपरांत उनका होलकर टीम और इंदौर से खास नाता रहा। उन्होंने सिर्फ होलकर टीम को ही नहीं सींचा बल्कि उनकी कप्तानी में टीम 4 बार रणजी ट्रॉफी में अव्वल रही। इसके बाद वो भारतीय टीम के मुख्य सिलेक्टर भी रहे। और ये किताब कर्नल सीके नायडू की बायोग्राफी है। इसका फर्स्ट एडिशन 2017 में मैंने लिखा था और ये इसका सेकेंड एडिशन है। इसमें मैंने काफी सारे नई चीज डाले जो की पिछली बार मैंने मुझे और नई नई चीज पता चलते गए, जैसे कि 1932 टू इंग्लैंड, 1936 टू इंग्लैंड, लाला अमरनाथ और सीके नायडू के बीच जो फ्यूड हुआ, लाला अमरनाथ टूर छोड़ के आ गए, और नए नए फोटोज भी डाले हैं। तो एंड वो उस इनिंग्स से ऐसा हुआ कि उन्होंने एक सिल्वर बैट प्रेजेंट किया गया एमसीसी के द्वारा, और इसके अलावा एमसीसी और इंग्लैंड इंग्लिश मीडिया को लगने लगा कि अब इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। तो वो एक अहम इनिंग था जिसके कारण कि इंडिया को टेस्ट स्टेटस मिला। मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज हम होलकर स्टेडियम में इनके सीके नायडू की बुक का लॉन्च कर रहे हैं, और उनकी बेटी सुनलेनी नायडू मैम हैं, संजय जगदाले जिनके फादर ने उनके साथ खेला था, ये सब यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि होलकर के साथ सीके नायडू का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, वो होलकर टीम के कैप्टन रहे। कर्नल सीके नायडू जैसे महान खिलाड़ी वास्तव में आज के खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है।